हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा मीनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम रायता बनाने जा रहे हैं। खीरा और गाजर इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है मेन इंग्रेडिएंट्स। और जो दही आप लोगे इसके लिए, वो एक चीज का ध्यान रखिए कि दही ताजा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, तभी इसका टेस्ट आएगा। और अगर आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करोगे तब और भी इसको खाने में मजा आएगा। सो आप देखो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसको कैसे बनाते हैं, लेट्स वॉच इट। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब करना प्लीज 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 मत भूलिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, थैंक यू। गाजर का रायता बनाने के लिए हमने 1 लीटर दही लिया है, 1/4 टेबलस्पून जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, 3 हरी मिर्च लिए जिसे हमने बारीकी से काट लिया है, 1 टेबलस्पून जितना पुदीना लिया है, 1/4 टेबलस्पून काला नमक लिया है, 1 ऑनियन एकदम बारीक काट दिया है, नमक स्वादानुसार, चाट मसाला हम लोग 1/4 टेबलस्पून यूज करेंगे, और 1 गाजर ली है उसको हमने ग्रेट किया है, और कुकुम्बर ली है 1, उसको भी हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। सबसे पहले हम दही को ब्लेंड करेंगे। अब हम इसमें कैरेट डालेंगे ग्रेट की हुई, कुकुम्बर ग्रेट किया हुआ डालेंगे, ऑनियन डालेंगे, क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, काला नमक, पुदीना, हरी मिर्च, चाट मसाला, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखा आपने, सो सिंपल टू मेक रायता, गाजर का रायता। ये हमारा रायता तैयार हो चुका है, इसे बस अच्छे से मिक्स करिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएं।